फ्रेंड, वी आर फाइनली बैक विद अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ वो बहुत खुशी की बात है। मैं खुद बहुत खुश हूँ आज इस बात से कि फाइनली यूट्यूब वालों ने डिसीजन ले लिया कि सब्सक्राइबर और वॉच टाइम को कम करें। तो आगे चल के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि यूट्यूब वालों ने क्या डिसीजन लिया है, क्या प्रूफ है, किस प्रूफ के साथ मैं बात कर रहा हूँ। अपने चैनल पे मैं आप सबसे झूठ नहीं बोलना चाहता, तो अब मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि उन्होंने क्या करा है। स्क्रीनशॉट आपको यहाँ साइड पे दिख जाएगा। तो जो मेन बात थी कि जो छोटे यूट्यूबर हैं, जो लोग चाहते हैं कि हम यूट्यूबर बने, यूट्यूब पर आएँ और पैसे कमाएँ, तो जब वो देखते हैं, जब वो अपना चैनल बना लेते हैं, तो वो जब देखते हैं, किसी से सुनते हैं कि यूट्यूब में चैनल बनाने के 100 तरीके होते हैं, आप चैनल बना लेते हो, लेकिन उस पर काम करते वक्त जब आपको आप ये देखते हैं ना कि जो लोग ना उम्मीद कर लेते हैं अपने आप को, कि वो जब देखते हैं कि यार 1000 सब्सक्राइबर चाहिए और 4000 घंटे का वॉच टाइम, यानी 2,40,000, तो अब वो फिर उम्मीद छोड़ देते हैं। वो कहते हैं यार ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हम कब तक करेंगे। असल में मैं खुद 1.5 साल से यूट्यूब पर वीडियोज़ बना रहा हूँ, लेकिन मेरे अभी। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं यूट्यूब वालों का ये स्क्रीनशॉट है। 4000 टाइम पूरा नहीं हुआ और 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरी वीडियोस पे काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं, मेरा चैनल भी ग्रो हो रहा है, कोई स्ट्राइक नहीं है, कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं लगा। तो यूट्यूब वालों ने ये डिसाइड किया है कि जो लोग यूट्यूब पर आना चाहते हैं, जो टिकटॉकर हैं ये, तो वो आराम से यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और उसके लिए यूट्यूब वालों ने ये डिसीजन लिया है कि इंशाल्लाह कल ट्यूसडे, कल इनकी मीटिंग होगी, और उस मीटिंग में ये होगा कि जहाँ तक मेरे थाउट्स हैं कि यूट्यूब वाले जो हैं वो 500 सब्सक्राइबर और 2000 घंटे का वॉच टाइम रिक्वायर कर देंगे अपने चैनल पे। ये नई अपडेट आई है यूट्यूब के लिए। और स्टेप नंबर 2 जो है वो ये है कि जो हम शॉर्ट्स पोस्ट करते हैं अपने चैनल पर, तो उसमें व्यूज़ आते हैं अच्छे खासे, जो कि हमारे ऐड हो जाते हैं हमारे वॉच टाइम में। जो शॉर्ट्स के व्यूज़ हैं वो हमारे वॉच टाइम में ऐड हो जाते हैं। उसका हमारे को फ़ायदा यह होता है, बस हमारे शॉर्ट जो होते हैं वॉच टाइम में ऐड हो जाते हैं। लेकिन जो अब यूट्यूब वालों ने अपडेट दी है और देने वाले हैं, उसमें सबसे अच्छी न्यूज़ आपके लिए ये है कि जो आप शॉर्ट्स पोस्ट करेंगे ना, उस पर भी ऐड चलेगा, उस पर ऐड रन करेगा, तो आपके जो मोनेटाइजेशन के जो पैसे हैं, जो उस एड्स के पैसे होंगे, वो भी आपको मिलेंगे। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स के लिए, हम जैसे छोटे क्या, सबके लिए, जिनके जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो भी शॉर्ट अपलोड करते हैं, वो भी करेंगे, तो इंशाल्लाह पैसे तो मिलने हैं। पैसे मिलने ना मिलने की बात नहीं करेंगे, सबसे पहले आपका जो होता है ध्यान होता है, आपका ध्यान होता है मोनेटाइजेशन पे, कि हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए बस, और बस उसके बाद हमने पैसे कमाने हैं, ये नहीं होता। मोनेटाइजेशन जो आपके चैनल पर हो जाती है, उसके बाद भी आप कंटेंट डालने पड़ते हैं, आपके व्यूज़ चाहिए, आपके सब्सक्राइबर चाहिए, तब जाके आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। और अगर आप मेहनत से करेंगे तो इंशाल्लाह सक्सेस आपको मिलेगी। और तीसरी बात मैं आपसे ये करता चलूँ कि अक्सर लोगों की वीडियोज़ पर कॉपीराइट क्लेम का इशू होता है, कॉपीराइट आपने जो बैकग्राउंड म्यूज़िक डालते हैं उस पर कॉपीराइट क्लेम हो जाता है। तो फ्रेंड, अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब इस पर भी एक्शन ले रहा है, इस पर भी काम कर रहा है कि आप दुनिया में कोई भी किसी का भी बैकग्राउंड म्यूज़िक, किसी का सॉन्ग, कुछ भी हो, पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश, जो भी सॉन्ग है आप, वो आप अपने यूट्यूब बैकग्राउंड म्यूज़िक पर लगा सकते हो, यूट्यूब की वीडियोज़ अपलोड कर सकते हो। उससे ये होगा कि यूट्यूब जो है, जिसका बैकग्राउंड म्यूज़िक फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे तलंजुम का रैप आपने लगा लिया, अब जो उसका रैप आप लगाएंगे ना, तो यूट्यूब 45% उसको पे करेगा, उनको पे करेगा, और 35% हमें पे करेगा, और बीच में 25% यूट्यूब खुद रखेगा। तो इससे यूट्यूब वालों को भी अर्निंग होगी, उनके पास भी पैसे आएंगे, जिनका हमने बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाया उनके पास भी पैसे जाएंगे, और जो हमने लगाया हमें भी मिलेंगे। तो इसके लिए ये था, तो मैंने आपको ये न्यूज़ देनी थी कि कल इंशाल्लाह ट्यूसडे है, तो 20 है कल, तो कल 20 डेट को आपको ये न्यूज़ मिल जाएगी। इंशाल्लाह मैं आप सबसे ये कहूँगा कि जो 2023 आने वाला है, इसमें यूट्यूब फुलफिल अपलोड हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, सॉरी।
इसमें आपको बस अच्छे कंटेंट डालने हैं, अच्छी वीडियोस डालनी है, लोगों को अपनी वीडियो से मुतासर करना है, वीडियोस में झूठ नहीं बोलना, झूठ बोल के झूठे थंबनेल लगा के व्यूज़ नहीं लेने, सच बोलें, भले 100 व्यूज़ आएँ लेकिन सच बोल के लाएँ, झूठ बोल के फ़ायदा नहीं है। तो फ्रेंड इस आज की इस न्यूज़ से मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे भी अभी तक 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ और 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुआ, लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूँ, रुक नहीं रहा। ये वीडियो असल में मैं 2 दिन पहले शूट करता, बट एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी इसलिए मैं आज कर रहा हूँ। अब मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताऊँगा कि यूट्यूब ने कर दी है स्टोरी अपलोड, क्या डिसीजन लिया है, क्या नहीं लिया, कितने सब्सक्राइबर, जहाँ तक मेरा थाउट था कि यही होने वाला है। अब देखते हैं मेरी बात सच होती है नहीं होती, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। और अक्सर मैंने देखा है यूट्यूब की हिस्ट्री में 95% जो लोग हैं वो वीडियो देख के चले जाते हैं विदाउट सब्सक्राइब करे, और 45-50% सब्सक्राइबर होते हैं वो वीडियो देखते हैं। जो 95% लोग हैं ना उनका क्या जाता है, आप वीडियो देख रहे हो, आप फ़ायदा उठा रहे हो। मैं आपको ज़बरदस्ती फोर्स नहीं कर रहा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, भाई वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब कर दो, इतनी सी बात है। अब मिलता हूँ मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट की वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।